शहर में शांति बनाए रखना पुलिस के साथ साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। 14 दिसंबर को वाड़ी थाने में एक बैठक हुई। बैठक में वाड़ी वर्धामना के सभी ट्रांसपोर्टरों को आमंत्रित किया गया था। वाड़ी वर्धामना में ट्रांसपोर्टरों की समस्या डीसीपी मतानी ने सुनी। रात के समय ट्रक चालकों ने देखा कि लूटपाट एक बड़ी समस्या है। चालकों पर हमले की जानकारी ट्रांसपोर्टरों ने दी। मतानी ने कहा कि अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि नागरिकों को ट्रक सड़क पर पार्क करने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त मतानी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए थाने के कर्मचारियों को आने वाली परेशानियों को लेकर आगाह किया। डीसीपी मतानी ने यह भी कहा कि ट्रकों को खड़ा कर एक स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता ने वाड़ी थाना क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अपराधों पर भी प्रकाश डाला। डीसीपी मतानी ने गवाही दी कि शहर में अपराध दर अधिक है और गश्त की संख्या 12 से शाम 5 बजे तक लगातार बढ़ाई जाएगी। ट्रांसपोर्टरों ने अपने कार्यालय के सामने सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। डीसीपी ने पूरे शहर का जायजा लिया। वर्धामना के ट्रांसपोर्टरों का मामला पिछले कई सालों से हवा में है। कई बैठकें हो चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर भी जिम्मेदारी से काम करे ताकि नागरिकों और प्रशासन को परेशानी न हो। डीसीपी लोहित मतानी, पीआई ललित तोड़ासे, सेकंड पीआई भरत करहाड़े, पीएसआई साजिद अहमद, एचसी सुनील मस्के, प्रमोद गिरी और ट्रांसपोर्टर महेंद्र शर्मा, टिंकू सिंह, सुशील शर्मा, मनोज सिंह, स्वामी सूद, मान सिंह ठाकुर, टीएच खान, वीरेंद्र चौधरी, जसीर चौधरी, सुभाष गुप्ता, इनुल खान, इजहार अली और सभी परिवहनकर्ता उपस्थित थे। जोन वन के सभी नागरिकों में बताना चाहता हूँ कि जोन वन के जो पुलिस स्टेशन हैं वाड़ी, हिंगना, अमेडीपी, बजाज नगर, प्रताप नगर और सोनेगांव, यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। और इसके लिए हम लोग जब जिस समय पर क्राइम ज़्यादा होता है शाम के समय पर, उसमें फुट पेट्रोलिंग हमारी चालू रहती है और कॉम्बिंग ऑपरेशन क्रिमिनल एरियाज में चालू रहते हैं। क्रिमिनल्स के घर की झड़ती ली जाती है। कहीं पर अगर हथियार मिलते हैं, हथियार जब्त किए जाते हैं। अवैध दारू मिलती है तो अवैध दारू जब्त की जाती है। और कहीं पे कोई सट्टा मटका खेल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा कोई ढाबों पर अगर अवैध दारू पीता है या बेचता है, उन पर भी कार्रवाई की जाती है। और मैं सभी नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस प्रकार की अवैध धंधों की जानकारी रहती है तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। और अगर इस प्रकार की अगर आपके पास जानकारी रहती कि कोई किसी सीरियस घटना को इल्जाम देने वाला है या फिर कोई सीरियस क्राइम करने वाला है, तो जरूर पुलिस को बताइए। मैं अपना नंबर भी आपको बताना चाहूँगा। मेरा नंबर है 7028059687। आज वाड़ी पुलिस स्टेशन में डीसीपी मथानी साहब से मिले और मिलने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार से आश्वासन हमको दिए हैं और हमारी समस्याओं को पर काफ़ी उन्होंने गौर किया है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और राष्ट्रवादी वातुक संघ की तरफ से उनको खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और मैं डीसीपी साहब से और पीआई ललिता मैडम से यही निवेदन करूंगा कि जो भी चोरी का माल खरीदता उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और चोरों जो चोरियाँ हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की वारदातें न हो, क्योंकि इसके पहले कुछ रुकावट हुई थी और जब से मशाल साहब यहाँ से गए हैं तब से ये वारदातें काफ़ी बढ़ चुकी है। और अभी मधानी साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे हमको लग रहा है कि वाड़ी डीपी जो शहीद साहब हैं पीएसआई, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिए हैं। वाड़ी वर्धामना में डीजल चोर ग्रह और गाड़ियों के कांच काटने वाला ग्रह पिछले 2 महीने से काफ़ी सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रति आज डीसीपी साहब से ट्रांसपोर्टर एनसीपी राष्ट्रवादी महाराष्ट्र वाहतूक संघ और ट्रांसपोर्टर अध्यक्ष महेंद्र शर्मा सभी भाई यहां पर एकत्रित हुए। डीसीपी साहब के बुलाने के ऊपर यहाँ मीटिंग हुई और उनको जितनी भी वारदातें हैं उनके बारे में बताया गया और यहां पर जितने भी डीजल चोरी के केसे होते हैं उनकी वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर स्टेशन डायरी में नोट नहीं करने के बारे में हम लोगों ने हमारा विषय उठाया। हमारे को डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आज से जितने भी आप लोगों के पास डीजल चोरी के केस होंगे वो सब डीजल पुलिस थाने में
डायरी में नोट किए जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमसे डीसीपी साहब से मिलकर आश्वासन मिला है कि जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनके ऊपर सबके क्राइम डिटेक्ट होंगे और आगे से इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।